बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों आज एक और नई वीडियो में एक और नए बिज़नेस आइडिया के साथ मैं आप तमाम दोस्तों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों आज की इस वीडियो में जो बिज़नेस आइडिया मैं आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये एक बहुत ही बेहतरीन और लो इन्वेस्टमेंट बिज़नेस आइडिया है। दोस्तों अगर आप लोगों के पास 80,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट मौजूद है और अगर आप लोग कोई कारोबार स्टार्ट करना चाहते हैं जिससे डेली आप लोग 3 से 4 हज़ार रुपये बआसानी से कमा सकें, तो आज की इस वीडियो में एक ऐसा ही कारोबार मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं जिससे आप लोग डेली 3 से 4 हज़ार रुपये घर बैठे कमा सकते हैं। तो दोस्तों ये कारोबार कौन सा है, कैसे करना है, ये तमाम तर इन्फॉर्मेशन आज की इसी ही वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक बरवक्त और बआसानी से पहुँचता रहे। तो दोस्तों एक ऐसा कारोबार, एक ऐसा बिज़नेस आइडिया मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने जा रहा हूं जिसे स्टार्ट करना बहुत ही आसान है। सिर्फ़ और सिर्फ 80,000 रुपये की आप लोगों को इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ने वाली है और आप लोग इस कारोबार को अपने घर से, इवन अपने घर की छत से या एक छोटे से कमरे से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस कारोबार के लिए ना तो ब्रांडिंग की ज़रूरत है, ना ही आप लोगों को ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। सिर्फ़ और सिर्फ 80,000 रुपये आप लोग लगाकर ये कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं और इस कारोबार से डेली हज़ारों रुपये आप लोग घर बैठे कमा सकते हैं। तो दोस्तों जिस कारोबार के हवाले से मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये कारोबार है कैंडल बनाने का। दोस्तों कैंडल के कारोबार के बारे में लोग अक्सर गलत चीज़ें बताते हैं कि अब ये कारोबार नहीं चलता क्योंकि अब लोड शेडिंग इतनी नहीं होती और लाइट जो होती हर वक्त होती है तो कैंडल्स का कारोबार इतना नहीं चलता। तो दोस्तों कैंडल्स का जो है सिर्फ और सिर्फ रोशनी के लिए इस्तेमाल नहीं होती बल्कि ये डेकोरेशन के लिए भी इस्तेमाल होती हैं। चाहे बर्थडे पार्टी हो या फिर कोई भी इवेंट हो, इनका इस्तेमाल बहुत सारी जगहों पर किया जाता है। तो दोस्तों इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप लोग कैंडल्स का कारोबार स्टार्ट करके कितना मुनाफा हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों कैंडल्स के कारोबार के लिए आप लोगों को एक छोटी सी मशीन चाहिए होगी। दरअसल दोस्तों ये मशीन क्या होती है, इस मशीन में जो है डाइयां लगी हुई होती हैं कैंडल की शेप की, जिसमें आप लोगों को कैंडल का रॉ मटेरियल डालना होता है और आप लोगों की कैंडल जो है तैयार हो जाती है। कंप्लीट प्रोसेस मैं बताता हूँ, कैंडल्स के लिए कौन कौन सा रॉ मटेरियल चाहिए होता है ये भी मैं आप लोगों को बताता चलूँ। दोस्तों कैंडल बनाने वाली मशीन की बात करें तो दोस्तों इस मशीन की प्राइस सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपये है। ये मशीन कम्प्लीटली मैनुअल मशीन है, ये मशीन इलेक्ट्रिसिटी पर नहीं चलती बल्कि हाथ से ऑपरेट की जाती है और ज़्यादा इसको ऑपरेट करना मुश्किल भी नहीं होता और मैं आप लोगों को इसका प्रोसेस भी समझा दूँगा। दोस्तों उसके बाद आप लोगों को पैराफिन वैक्स चाहिए होता है। दोस्तों पैराफिन वैक्स क्या होता है, इससे कैंडल तैयार की जाती है। ये कैंडल का मेन रॉ मटेरियल होता है, ये वाइट कलर का होता है, जैसे नमक के मोटे मोटे पीसेस होते हैं इसी तरीके से पीसेस होते हैं। दोस्तों ये पाकिस्तान में ऑल ओवर आप लोगों को मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को कम से कम ये 20,000 रुपये तक का चाहिए होगा। 20,000 रुपये का अगर आप लोग परचेज करते हैं तो आप लोग बआसानी से जो है आप लोग 2 से 3 जो है हफ्ते इस रॉ मटेरियल से कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद आप लोगों को इसके लिए धागा चाहिए होगा। धागा भी आप लोगों को मार्केट में बआसानी से दस्तयाब मिल जाता है। तो दोस्तों ये तमाम तर आइटम आने के बाद आप लोगों को कुछ पैकिंग का रॉ मटेरियल चाहिए होगा और पैकिंग का रॉ मटेरियल भी 10,000 रुपये तक का आ जाएगा। दोस्तों ओवरऑल 70 से 80,000 रुपये तक की आप लोगों की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कारोबार को स्टार्ट करते करते लग जाती है। दोस्तों कैंडल मुख्तलिफ कलर में और मुख्तलिफ डिज़ाइंस में बनाने हैं तो आप लोगों को कैंडल्स के जो मोल्ड्स होते हैं वो भी मुख्तलिफ कलर्स में और मुख्तलिफ साइज़ में आप लोगों को चाहिए होंगे और आप लोगों को यहाँ पर कलर भी चाहिए होगा ताकि कैंडल्स को आप लोग मुख्तलिफ कलर में जो है तब्दील कर सकें।
दोस्तों अब बात करते हैं कैंडल कैसे तैयार होती है। दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, किसी बड़े से बर्तन में पैराफिन वैक्स जो होता है उसे बिल्कुल ही पतला करना होता है। आप लोग उसमें इन पैराफिन वैक्स को डाल दें और थोड़ा सा उसमें पानी डाल दें तो ये बिल्कुल ही गल जाते हैं और पानी की जो है लिक्विड की शेप अख्तियार कर लेते हैं। फिर दोस्तों आप लोगों के जो मोल्ड्स होते हैं वहाँ पर एक स्टिक भी लगी हुई होती है जो इस कैंडल में सुराख बना देती है जिसमें आप लोग धागा डाल सकते हैं। फिर आप लोगों ने पेस्ट उन सांचों में भर देना होता है और जैसे ही आप लोग उनमें वो पेस्ट भर देंगे सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 मिनट उन्हें बाहर सुखाने के लिए रख देंगे तो आप लोगों की कैंडल तैयार हो जाएगी। फिर पूरा का पूरा जो है सेट होता है मोल्ड्स का वो निकाल कर आप लोग उनसे कैंडल निकाल सकते हैं। फिर आप लोग उन्हें कलर में डिप करके और उनमें धागा जो है डाल कर उन्हें पैक कर सकते हैं, कुछ घंटों के लिए इन्हें खुश करने के लिए रख सकते हैं आप लोग। दोस्तों अब बात करते हैं इस मशीन की मदद से आप लोग कितने कैंडल्स पर दिन के हिसाब से तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों इस मशीन की मदद से आप लोग कम से कम 5 से 10 हज़ार कैंडल्स पर दिन के हिसाब से 7 से 8 घंटे काम करके तैयार कर सकते हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन और एक अच्छी खासी प्रोडक्शन है। अब बात करते हैं लेबर की। तो दोस्तों ज़्यादा लेबर की भी आप लोगों को इस कारोबार में ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, सिर्फ और सिर्फ एक लेबर की मदद से आप लोग अपना कारोबार अच्छे तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग जगह की बात करें तो ज़्यादा जगह भी आप लोगों को दरकार नहीं है इस कारोबार के लिए, सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी जगह आप लोगों को चाहिए जो थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। अगर आप लोग इस कारोबार को छत पर भी शुरू करना चाहते हैं या एक बड़े कमरे में शुरू करना चाहते हैं तब भी आप लोग इस कारोबार को वहाँ स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों ओवरऑल देखा जाए तो 80,000 रुपये की एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट लगाकर आप लोग अपना कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं और इस कारोबार से एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों मैं एक बात फिर से बताता चलूं कि कैंडल सिर्फ और सिर्फ रोशनी के लिए इस्तेमाल नहीं होते बल्कि आजकल ये डेकोरेशन में भी बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। चाहे बर्थडे पार्टी हो या फिर किसी की एनिवर्सरी हो या फिर कोई भी इवेंट हो, कैंडल्स का इस्तेमाल बड़ी ही शौक से किया जाता है। तो दोस्तों ओवरऑल बहुत ही बेहतरीन कारोबार है। अगर ये कारोबार आप लोगों को पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। मिलते हैं फिर किसी और नई वीडियो में किसी और नए बिज़नेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।